Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss chapter number 7 of class 6th science, and the name of the chapter is fiber and to fabric. Fibers se fabric kaise hum jo hai dhagon se jo hai क्लोथ जो है वो तैयार करते हैं. तो सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट है, द मेन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर आर टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. फाइबर्स के टाइप कौन से होते हैं, किससे किन जो रेशे जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं और कुछ एक सिंथेटिक होते हैं जो आर्टिफिशियल भी जिनको बोलते हैं. तो चलिए स्टडी करते हैं लेसन्स के थ्रू. People wear a wide variety of clothes. People living in different places wear different types of clothes according to the weather conditions and gender. Men and women wear different types of clothes. The men in India mostly wear dhoti kurta, kurta pajama, lungi or shirts and trousers, while Indian women mostly wear sari, salwar, suit and ghagra choli. पीपल वी आर अ वाइड वराइटी ऑफ क्लोथ. जो लोग हैं भाई वो क्या करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं. अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के जो हैं टाइप के कपड़े जो हैं क्लोथ जो हैं वो पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन और जेंडर. जिसमें क्या आता है, वेदर किस टाइप का है उस प्लेस का और उस पीपल का जो है जेंडर क्या है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े जो है वो पहनते हैं. मैन और वीमेंस जो हैं डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं. जो भारतीय जो मैन हैं मोस्टली वो क्या करते हैं भी, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, लुंगी और शर्ट, और लुंगी या जो शर्ट है और या ट्राउज़र जो है वो पहनते हैं. जबकि जो इंडियन वीमेन है वो मोस्टली साड़ी, सलवार सूट और घाघरा चोली पहनती हैं. इन समर मोस्टली द कॉटन क्लोथ ऑफ लाइट कलर आर वोन, वाइल इन विंटर मोस्टली वूलन क्लोथ लाइक स्वेटर, कैप्स एंड ग्लव्स आर वोन. समर के दौरान क्या है, ज़्यादातर आमतौर पर मोस्टली क्या पहना जाता है भी, कॉटन क्लोथ पहने जाते हैं जिनका कलर क्या होता है, लाइट कलर का होता है वो पहनते हैं. जबकि विंटर में जो है वूलन क्लोथ पहनते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कैप हो गई, ग्लव्स हो गए. The cloth of school uniforms are different from our casual cloth or party wear. जो school uniform के cloth होते हैं वो हमारा जो casual cloth होता है, जो आम हमारे कपड़े होते हैं, जो party wear कपड़े होते हैं, उनसे different होते हैं. The material of all type of cloth is different from one another. और जो material होता है हर प्रकार के जो cloth का है वो एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल different होता है. The shirt is made from a different material than that of trouser. अगर आप pant पहनते हैं, pant का कपड़ा जो है अलग type के कपड़े से बनता है, material से बनता है, और जो shirt का जो है वो अलग type के. The material that is used to make cloth is called fabric. तो fabric क्या होता है भी, जो material जो है कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं. फैब्रिक्स इज नॉट ऑब्टेन्ड एज सच, इट इज वूवन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ फाइबर्स थ्रू वेरियस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन. जब फैब्रिक है वो सीधा ही तैयार नहीं किया जाता, उसको क्या है पहले क्या है, वेरियस काइंड ऑफ फाइबर से, धागों से जो है वो बुना जाता है, जिसमें क्या है विभिन्न जो डिफरेंट टाइप की मशीन है उनकी जो है अलग अलग प्रोसेस में हेल्प ली जाती है. फाइबर इज़ अ हेयर लाइक थ्रेड स्ट्रैंड फ्रॉम विच ऑल द फैब्रिक्स आर मेड. जो फाइबर हैं वो हेयर लाइक स्ट्रैंड होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनसे क्या बनाया जाता है, सभी प्रकार का जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है वो बनाया जाता है. फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ फैब्रिक. कपड़े का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो फाइबर है, वो धागा है, थ्रेड है. टाइप ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फैब्रिक जो है, क्लोथ जो है वो पाए जाते हैं. द टाइप ऑफ फैब्रिक्स बेसिकली डिपेंड ऑन द फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ. जिन धागों से, जिन फाइबर से वो फैब्रिक बनते हैं, जो फाइबर है वो फैब्रिक जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है भी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करता है. मोस्ट पीपल लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ, वीमन लाइक्स टू वियर सिल्क साड़ी. ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो क्या पहनना पसंद करते हैं, कॉटन क्लोथ पहनना पसंद करते हैं. जबकि जो औरतें हैं वो क्या करना पसंद करती हैं भी, वो सिल्क साड़ी जो है वो पहनना पसंद करती हैं. वी वियर वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर. हम विंटर के ड्यूरिंग क्या करते हैं भी, वूलन के क्लोथ पहनते हैं. कॉटन, सिल्क और वूल आर दी वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स और फाइबर्स. जो कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये फैब्रिक्स
कपड़ों की और धागों की जो है वैरायटीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फाइबर्स आर मेनली टू टाइप्स, नेमली नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। जिस तरीके से जहाँ से फाइबर जो है, धागे जो हैं मुख्य रूप से तैयार होते हैं, उसे क्या, उसके अकॉर्डिंग जो है इन्हें टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल प्राकृतिक धागे और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, अननेचुरल आर्टिफिशियल यू कैन से। लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लास्टिक एंड एनिमल। जो नेचुरल फाइबर है वो किससे प्राप्त होता है, भी प्लांट से और एनिमल दोनों से प्राप्त किया जाता है। जूट, वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। जो जूट है, वूल है, सिल्क है, कॉटन है और लिनन जो है, ये नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है। जूट कम फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट जो है वो जूट प्लांट से तैयार किया जाता है। कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड लिनन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। और जो लिनन है वो फ्लैक्स के प्लांट से तैयार की जाती है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। जो वूल है वो शीप से प्राप्त की जाती है, सिल्क जो है वो सिल्क वर्म से, और जो नेचुरल फाइबर है उनको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है फर्दर। पहला है जो प्लांट से फाइबर तैयार होते हैं, प्लांट से धागे कौन से मिलते हैं, और एनिमल फाइबर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट प्लांट फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको प्लांट फाइबर बोलते हैं। द फाइबर ऑफ कॉटन, हेम्प एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। जो धागे हैं कॉटन के और हम्प के, जूट के, ये कहाँ से होते हैं भी, ये प्लांट से ही मिलते हैं। तो कॉटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस कॉटन। कॉटन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल्स। जो कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। दे आर गुड अब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर एंड स्वेट। वो क्या होते हैं भी, जो पसीना आता है, जो पानी होता है, उसको सोखने में बहुत अच्छे होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप grown in India for more than 3000 year. Cotton fabrics are soft and durable. They are good absorbent of water and sweat. It is the most important industrial crops grown in India for more than 3000 year. The cotton plant is a serves which grown well in black soil and warm climate. It need moderate rainfall. तो जो कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं वो वही कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनके अंदर क्या होती है, क्वालिटी होती है कि ये वाटर को और स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है, उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। ये जो है इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग, औद्योगिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, फसल है, जो कि भारत में लगभग 3000 ईयर से उगाई जा रही है। कॉटन इज़ अ प्लांट, इस कॉटन का जो प्लांट होता है वो एक सर्ब्स होती है, एक झाड़ी होती है, विच ग्रोन वेल इन ब्लैक सोयल एंड वार्म क्लाइमेट, जो कि ब्लैक सोयल के अंदर और वार्म क्लाइमेट के अंदर अच्छे से उगते हैं। इट नीड मॉडरेट रेनफॉल। इसको ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी बारिश जो है वो काफ़ी होती है। द कॉटन प्लांट वॉज द फर्स्ट फाइबर प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर मेकिंग क्लॉथ। कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर ऑफ इंडिया। कॉटन इज मेनली कल्टिवेटेड इन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। कॉटन का जो प्लांट है वो सबसे पहले भारत के अंदर कल्टिवेट किया गया, फर्स्ट फाइबर प्लांट जो था जिसे कल्टिवेट किया गया भारत के अंदर कपड़े बनाने के लिए। और कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर ऑफ इंडिया। और कॉटन ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट फाइबर है भारत का। कॉटन इज मेनली कल्टिवेटेड, जो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ जो कल्टिवेट किया जाता है, खेती किया जाता है कॉटन का भी, वो पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटक के अंदर। तो कैसे कॉटन जो है ऑब्टेन किया जाता है कॉटन प्लांट से, लेट्स डिस्कस। कॉटन प्लांट इज ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सोइल, वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल। ये हमने बात पहले ऑलरेडी स्टडी कर ली है। इट इज सोन बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर। यू कैन से दैट इट इज grown in between April और May के बीच में इसको grow किया जाता है और different part of India के अंदर। Harvesting begin in October और इसकी जो harvesting है, इसकी जो चुगाई है, वो October में start हो जाती है। The cotton plants have fruits called cotton balls। जो cotton plants होते हैं उसके fruits जो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं भाई, cotton ball बोलते हैं। क्या कहते हैं उनको, cotton ball बोलते हैं। और ये जो cotton ball है जब mature हो जाती है, और इनका साइज़ कैसा होता है भी, इनका साइज़ होता है लेमन साइज़ का,
जैसा लेमन होता है उसी के साइज का ये होता है। तो After maturing, the bulb bursts open and seeds covered with cotton fiber are seen. जब ये mature हो जाता है तो mature होने के बाद जो बाल है वो burst हो जाती है, जो cotton बाल होती है, जो ओटीना होता है वो फट जाता है और उसके और खुल जाता है। और जो seed covering with cotton और cotton से जो ढके हुए जो seed होते हैं, जो cotton जिसके अंदर seed ढके होते हैं वो नज़र आने लग जाती है। Cotton is usually picked by hand. Fiber are separated from seeds by process called gainings which is done manually or by machine. जो कॉटन है उसको हाथों से ही आमतौर पर जो है उसकी चुगाई जो है हम हाथों से करते हैं और फिर क्या किया जाता है, फाइबर जो है वो सीड से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गेनिंग। और जो गेनिंग है वो किसके द्वारा होती है, भी आमतौर पर तो इसे ट्रेडिशनल तरीके से ही किया जाता है और कई बार हम जो मोस्टली अब हम इसका जो फाइबर है उसको सीड से कैसे अलग करते हैं, मशीनों के द्वारा बोलते हैं, जिसको कि गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। द कॉटन फाइबर्स आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। दीज स्ट्रैंड्स आर स्पन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स और टू यार्न्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन फाइबर्स जो है आर ड्रोन आउट, जो कॉटन फाइबर है उससे निकाले जाते हैं, फिर धागे निकाले जाते हैं एंड ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। और जो लॉन्ग थ्रेड के जैसे स्ट्रैंड में उसको क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, यानी उसको क्या किया जाता है, आप कह सकते हो कि बंट देते हैं उसको, उसको मशीन के ऊपर काटा जाता है। दीज स्ट्रैंड्स आर स्पन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन टू यार्न। इससे कपड़ा बुनने के लिए क्या किया जाता है भाई, फिर उसको स्पन किया जाता है स्पिनिंग मशीन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, और जो फाइबर से यार्न करने की कपड़ा बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। कताई जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। यूज़ ऑफ कॉटन, कॉटन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कॉटन फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग शर्ट्स, टी शर्ट्स, टॉवल्स, शूट्स, जीन्स एट्सेट्रा। कॉटन का इस्तेमाल जो है शर्ट्स, टी शर्ट्स, टॉवल, सूट और जीन बनाने के लिए किया जाता है। कॉटन फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग पैड्स यूज इन हॉस्पिटल्स। जो कॉटन फाइबर है उनका यूज जो है वो पैड्स बनाने के लिए किया जाता है, जिनका इस्तेमाल जो है कहाँ होता है भाई, जिनका इस्तेमाल जो है हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। कॉटन इज यूज्ड एज फिलर इन मैट्रेस और पिलोस। कॉटन का इस्तेमाल जो है मैट्रेस, गद्दों के अंदर और जो तकिए होते हैं उनके अंदर फिल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है हमारा सेकेंड जूट। जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, सबसे सस्ता जो फाइबर है नेचुरल फाइबर वो क्या है, जूट है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। इट ग्रो बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, प्लांट के स्टेम से, तने से प्राप्त किया जाता है। और ये सबसे अच्छे कहाँ उगता है, भी वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। इट रिक्वायर एलुवियल सोइल्स दैट रिसीव्स सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड। इसके लिए एलुवियल जो सोइल है वो अच्छी रहती है, क्योंकि ये जो है एनुअल फ्लड से जो सिल्ट जो है, जो नदियों की जो तलछट जो है, जो छोटे छोटे कण है वो प्राप्त करते रहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ जूट इज ग्रोन इन द साइबेरियन सुंदरबंस डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो सबसे बड़े पैमाने पर जो जूट है वो सुंदरबन डेल्टा भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जूट जो है वो पाई जाती है। जूट इज ग्रोन अ फ्यू मंथ बिफोर द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन है उससे कुछ महीने पहले ही जो जूट है वो ग्रो कर दी जाती है। इन 3-4 मंथ आफ्टर शोइंग, बीजने के 3-4 महीने बाद फ्लावर अकर, फूल इसके आ जाते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ द जूट प्लांट इज डन एट द फ्लावरिंग स्टेज। जो ही इस पे फूल आते हैं तो क्या किया जाता है, इसकी कटाई कर ली जाती है। इट्स प्लांट इज 8-10 feet हाई एंड बियर येलो फ्लावर्स। इसका जो प्लांट होता है वो 8-10 feet का होता है और इसके ऊपर जो है पीले फूल आते हैं। द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। जो हार्वेस्टेड वाटर जो है वो कटाई करने के बाद जो पौधे हैं उनको क्या है, कुछ एक दिनों तक पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस सिंकेज, इसी
जो सिंकेज के दौरान इसी दौरान जो पानी में वो डूबा रहता है, द गमी सब्सटेंस होल्डिंग द जूट फाइबर टू द स्टेम रूट, जो गमी जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो जूट फाइबर जो होती है स्टेम रूट को वो पकड़ लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोटिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोटिंग बोलते हैं। द रोटेड जूट फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड, और जो वो रोट हुए जो सड़े हुए जो फाइबर्स होते हैं उनको हाथों के द्वारा अलग कर लिया जाता है। लेटर इट्स फाइबर आर कन्वर्टेड इंटू यार्न टू मेक फैब्रिक और अदर यूज, बाद में इन फाइबर्स को क्या है यार्न के अंदर बदल दिया जाता है कपड़े बनाने के लिए या दूसरे इस्तेमाल के लिए। यूजेज ऑफ जूट, जूट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है भी, जूट इज यूज फॉर मेकिंग रॉप्स मैट्स स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल लाइक गनी बैग कारपेट्स जूट बैग्स एंड डेकोरेटेड आर्टिकल्स। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जो जूट का इस्तेमाल जो है रस्सियाँ बनाने में, मैट बनाने में, स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल बनाने में और गनी बैग बनाने के अंदर, कारपेट बनाने में, जूट बैग बनाने में और डेकोरेटेड आर्टिकल्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे सस्ता जो है नेचुरल फाइबर है, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। एनिमल फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। ऐसे फाइबर जो एनिमल और एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर बोलते हैं। जैसे वूल है, सिल्क है, ये एनिमल से प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वूल। वूल इज एन एनिमल फाइबर एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, कैश्मीरी गोट, मेरिनो शीप एट्सेट्रा। जो वूल है वो एनिमल फाइबर है और इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो शीप की फ्लीस होती है जो ऊपर की जो परत होती है उससे प्राप्त किया जाता है, कैश्मीरी गॉड से प्राप्त किया जाता है और मेरिनो शीप से प्राप्त किया जाता है। वेरी फाइन एंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगोरा रैबिट। जो सबसे बढ़िया वाली वूल होती है, एंगोरा वूल जिसको कहते हैं, वो एंगोरा रैबिट से प्राप्त की जाती है। फॉर गेटिंग वूल फ्रॉम शीप, द फ्लीस ऑफ शीप इज कट ऑफ एंड वूल फाइबर आर ऑब्टेन्ड। जो भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उनका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको कि फ्लीस बोलते हैं, उसे कट कर दिया जाता है और उनसे धागे वूल फाइबर जो है वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज शीयरिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शीयरिंग बोलते हैं। भेड़ों से ऊन प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, शीयरिंग। द वूल फाइबर इज देन क्लीन, तब उसको वूल फाइबर को साफ किया जाता है। क्लीनिंग इज डन विद माइल्ड डिटर्जेंट्स एंड सम केमिकल, कुछ हल्के जो डिटर्जेंट होते हैं या कुछ केमिकल होते हैं उन्हीं के द्वारा जो इसको साफ किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्योरिंग, इस प्रोसेस को जो क्लीन करने की प्रोसेस है वूल फाइबर को, उसको स्क्योरिंग बोलते हैं। देन वूल इज स्पन टू मेक यार्न, तब जो है यार्न करने के लिए इस वूल को काटा जाता है। मेरिनो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम मेरिनो शीप इज द फाइनेस्ट वूल, और सबसे अच्छी जो वूल है वो है भाई मेरिनो वूल, जो कि मेरिनो शीप से प्राप्त की जाती है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर, नाइलन, यर्न, एरिसिलिक, आर्सेनिक, पॉलिस्टर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। दीज फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो मैन मेड फाइबर होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, आर्सेनिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर के हैं। इनको जो है फैक्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर हैव दीज फीचर्स, कौन कौन से क्वालिटीज होती हैं भी सिंथेटिक फाइबर की, दे डू नॉट रिंकल ईजिली, वो सिकुड़ते नहीं हैं आसानी से। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बहुत होते हैं। द कैच फायर इजिली, वो आग जल्दी पकड़ते हैं। दे डू नॉट अब्जॉर्व वाटर, वो पानी को ज़्यादा सोखते नहीं हैं। दे ड्राई क्विकली, वे जल्दी सूखते हैं। दे नीड लिटल आयरिंग, उनको हल्की जो है प्रेस करने की आवश्यकता होती है। दे आर इजी टू क्लीन, और उन्हें साफ करना आसान होता है। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ऊपर आपने देख लिया होगा कि इनमें से कुछ एक एडवांटेज हैं, कुछ एक डिसएडवांटेज हैं, तो चलिए सेपरेट पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर हैव द फॉलोइंग एडवेंचर्स एडवांटेज।
दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन. उनको रख रखाव और उनका जो वॉश करना है वो बड़ा आसान होता है. दे डू नॉट गेट रिंकल बट ड्राई ईजिली. वो सिकुड़ते नहीं हैं पर आसानी से सूख जरूर जाते हैं. दे आर वाटर प्रूफ यानी वो पानी के प्रतिरोधी होते हैं. डिसएडवांटेज क्या होते हैं भी सिंथेटिक फाइबर के. सिंथेटिक फाइबर है द फॉलोइंग डिसएडवांटेज. दे डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट. पसीना नहीं सोखते सबसे बड़ी समस्या है. दे डू नॉट अलो एयर टू पास थ्रू दैम ईजिली. उनके अंदर से हवा आसानी से नहीं गुजरती. दे कैच फायर ईजिली एंड हैंस कैन नॉट बी यूज इन किचन. वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं इसलिए उनका इस्तेमाल जो है किचन में नहीं किया जा सकता. दे आर नॉट शूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. वो जो है गर्म और जो आर्द्र जलवायु होती है मौसम होता है उसमें शूटेबल नहीं होते हैं. तो फर्स्ट है आपका भाई नायलॉन. नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1938. इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग येट वेटलेस. इट इज अ स्मूथ नॉन अब्जॉर्बेंट ड्यूरेबल एंड ड्राई क्विकली. इट इज इलास्टिक एंड रेजिलियंट एंड सो नीड नो आयरनिंग्स. इट मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर्स. नायलॉन जो है सिंथेटिक फाइबर है एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1938 में और ये क्या होता है क्वाइट स्ट्रांग होता है बहुत ताकत होता है. येट वेट लेस फिर भी इसका वेट जो होता है बहुत कम होता है. इट इज़ स्मूथ बड़ा चिकना होता है. नॉन ऑब्जर्वेंट होता है यानी किसी भी प्रकार के वाटर और स्वेट को ऑब्जर्व नहीं करता. ड्यूरेबल होता है लंबे समय तक चलता है और ड्राई क्विकली सूखता जल्दी है. इट इज़ इलास्टिक ये क्या होता है इलास्टिक होता है यानी इसके अंदर लचक होती है. एंड रेजिलियंट और इसके अंदर रेजिलियंट होता है यानी ये श्रिंक कम होता है इसलिए इसको क्या है आयरन की आवश्यकता नहीं होती. और अगर इसको क्या है हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा जाए तो ये मेल्ट हो जाता है पिघल जाता है. रेयॉन रेयॉन इज़ अ मैरमेड सिल्क विच कंस्टिट्यूट और प्योरीफाई सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वूल पल्प इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस एंड देन विद कार्बन डिसोल्फाइड टू फॉर्म्स द सेल्यूलोज सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन इज अलाउड टू पास थ्रू फाइन पोर्स इन मेटल सिलेंडर्स हैविंग अ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग फाइबर सेल्यूलोज नोन एज रियॉन. रियॉन जो है वो मैनमेड सिल्क होता है जिसके अंदर क्या होते हैं भी कंस्टिट्यूट ऑफ प्योरीफाइड सेल्यूलोज जो कि प्योरीफाइड सेल्यूलोज जिसके अंदर मौजूद होता है. सेल्यूलोज इज द फॉर्म ऑफ वुड पल्प. जो सेल्यूलोज होता है एक वुड पल्प सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो सेल्यूलोज होता है जो वुड पल्प की फॉर्म में होता है उसको क्या किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है. सोल्यूशन हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ एंड देन विद कार्बन डिसल्फाइड. कार्बन जो डिसल्फाइड है उसके साथ इसको क्या किया जाता है ट्रीट किया जाता है क्या बनाने के लिए सेल्यूलोज सॉल्यूशन बनाने के लिए. दिस सॉल्यूशन इज अलाउड टू पास थ्रू फाइन पोर्स ऑफ मेटल सिलेंडर. फिर इस सॉल्यूशन को क्या किया जाता है जो मेटल सिलेंडर के जो फाइन जो बिल्कुल बारीक जो पोर होते हैं उनके अंदर से गुजारा जाता है. हैविंग अ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का जो है डिल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फाइबर सेल्यूलोज. इससे क्या बन जाता है अभी लॉन्ग फाइबर सेल्यूलोज बन जाता है जिसे रियॉन के नाम से जाना जाता है. रियॉन इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट हैव आ शाइन लाइक सिल्क. द रियॉन फाइबर ऑब्टेन्स आर स्पन इन टू थ्रेड एंड फाइनली वूवन इन इंडिया फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स टायर कोड कारपेट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग. जो रियॉन है वो केमिकली आइडेंटिकल है कॉटन से बट हैज़ अ शाइन लाइक सिल्क और इसकी जो है इसके अंदर सिल्क जैसी चमक होती है. द रियॉन फाइबर ऑब्टेन आर स्पन इनटू थ्रेड. जो रियॉन फाइबर है वो काते जाते हैं धागों में बदल दिए जाते हैं एंड फाइनली वूवन इन इंडिया फॉर मेकिंग टेक्सटाइल टायर्स कारपेट्स एंड
सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है जो जब किसी का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है उसमें जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए, टायर का जो ऊपर का कोड होता है उसके अंदर, और जो कपड़ा बनाने की जो उद्योग हैं भारत के अंदर, इनको अंत में बुन दिया जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड वेदर रेसिस्टेंट, इट इज प्रोड्यूस चीफली बाई रिएक्शंस ऑफ डायबेसिक एसिड विद डायहाइड्रिक एल्कोहल। जो सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ये स्ट्रांग होता है, लाइट होता है और वेदर रेसिस्टेंट होता है, यानी हमें हर प्रकार के मौसम से क्या बचा देता है। इट इज प्रोड्यूस्ड चीफली बाई रिएक्शन ऑफ डायबेसिक एसिड विद डायहाइड्रिक एल्कोहल। ये कैसे प्राप्त किया जाता है? मेन रूप से जब डायबेसिक एसिड की डायहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है उससे ये बनता है। इट इज स्ट्रॉन्ग फाइबर, ये मजबूत फाइबर है, रेसिस्टेंट ऑफ क्रीज एंड दस कीप इट शेप, और ये क्या है, अपनी क्रीज को जो है रेसिस्ट करता है, इसलिए जो है अपनी शेप को बनाए रखता है। तो गाइज ये है आपका चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।